स्टूडेंट्स, आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है इसका, वैक्सीन्स का, एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर सिलेबस। इसके साथ हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सब यूनिट वैक्सीन्स जो है, सब यूनिट वैक्सीन थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन है। हमने पहले इनएक्टिवेटेड वैक्सीन पढ़ा, उसके बाद हमने एटेन्यूएटेड वैक्सीन पढ़ा। सब यूनिट वैक्सीन्स में क्या होता है, हम जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं पैथोजेंस के, उनको हम प्योरीफाई करते हैं। स्पेसिफिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, प्योरीफाई करते हैं उनको और उनको डिराइव करते हैं वहाँ से। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ओनली दिस एंटीजेनिक पार्ट्स ऑफ द पैथोजन जो हमें इम्यून रिस्पॉन्स दिलाएंगे सब यूनिट वैक्सीन। अब इसमें टाइप्स कौन कौन से हैं, टॉक्सॉइड वैक्सीन है, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन वैक्सीन है, या की रिकमेंडेंट प्रोटीन एंटीजन है, या हम इनको रिकमेंडेंट वैक्सीन डायरेक्टली बोलते हैं। सब यूनिट वैक्सीन में तीन वैक्सीन आएंगे, टॉक्सॉइड वैक्सीन आएगा, सेल्यूलर पॉलीसेक्राइड और कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, और सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन वैक्सीन आएगा या रिकमेंडेंट वैक्सीन आएंगे। ये चीज़ याद रखना है। सबसे पहला जो है टॉक्सॉइड वैक्सीन है, जो बैक्टीरिया जब अफेक्ट करता है किसी होस्ट को, इट रिलीज एक्सोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स आर पोटेंट दिस पैथोजेंस, पैथोजेनिक पार्ट्स। अब इस एक्सोटॉक्सिन को हम क्या करते हैं, हम इसको मॉडिफाई करवाते हैं केमिकल्स के थ्रू या हीट के थ्रू। जब ये मॉडिफाई हो जाता है तो इसकी वायरुलेंस खत्म हो जाती है। ठीक है, इसका जो टॉक्सिक नेचर होता है वो खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे टॉक्साइड को कैसे डिफाइन करेंगे फिर, टॉक्साइड क्या होता है, टॉक्साइड होता है मॉडिफाइड एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन को मॉडिफाई किया जाता है, इसकी वायरुलेंस खत्म की जाती है, तो उस चीज़ को हम टॉक्साइड बोलते हैं फिर। ठीक है, इसमें वैक्सीन्स बनाते हैं इसके थ्रू, फिर टॉक्साइड के थ्रू। यहाँ पे याद रखना, एक्सोटॉक्सिन जो है पोटेंट है, बहुत पोटेंट है, मगर टॉक्साइड जो ये उतना पोटेंट नहीं होता है। इस तभी हमें बूस्टर डोजेस देने पड़ते हैं टॉक्साइड के, हमें बहुत सारे डोजेस देने पड़ते हैं तब जाके हमें एंटीबॉडीज मिलती है। इसमें एग्जाम्पल्स है टेटनस है, डिफ्थीरिया है, या बैक्टीरियल वैक्सीन जो बनाते हैं हम, दिस ऑल वैक्सीन कम अंडर दिस टॉक्सॉइड वैक्सीन। दूसरा है कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। आपको पता है जो एक बैक्टीरिया होता है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, इसकी जो पैथोजेनिसिटी डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इसका जो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है वो कैसा है, स्मूथ है, रफ है, क्या है। अगर स्मूथ होगा तो ये एंटीफेगोस्टिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा, मतलब इसकी फैगोसाइट, इस बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस होगी ही नहीं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स में। फिर हम क्या करते हैं इसको, हम इसको एंटीबॉडीज से कोट करवाते हैं इस पॉलीसेक्राइड कैप्सूल को, या हम कम्प्लीमेंट प्रोटीन से इसको कोट करवाते हैं, मेनली C3B प्रोटीन से। फिर मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स के लिए ईजी हो जाता है इसकी फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोस होगी, इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, देन व्हाट विल हैपन, दीज एंटीबॉडीज बनेंगी और वी विल गेट अवर वैक्सीन। इसमें स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया के खिलाफ या नेसीरिया मेनिनजाइटिस के खिलाफ ये वैक्सीन बनाते हैं, इसके जैसे पॉलीसेक्राइड वैक्सीन हम इन बैक्टीरिया के खिलाफ बनाते हैं। उसके बाद जो तीसरा टाइप है इसका, रिकमेंडेंट वैक्टर वैक्सीन। आपने अभी तक देखा जो हमने पढ़ा था एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, उसमें एक डिसएडवांटेज था, दैट कैन रिवर्ट बैक टू द पैथोजेनिक फॉर्म। अगर इसको कंडीशंस मिलती है तो ये पैथोजेनिक फॉर्म में वापस जा सकता है और डिजीजेस कॉज कर सकता है। हम क्या करते हैं, रिकमरेंट वेक्टर्स के थ्रू, रिकमरेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होते हैं, हम वो यहाँ पे जीन्स ही निकाल देते हैं, जो एंटीजेनिक जीन्स होते हैं, वायरुलेंट फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं पैथोजेंस में, जिसकी वजह से ये पैथोजेनिक होता है। तो उनको हम, उन जीन्स को निकाल के, फ्रेगमेंट्स ऑफ द जीन्स, हम पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं ले रहे हैं उसको, हम एटेन्यूएटेड वायरसेस या एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म या एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि जो इसका रिवर्शन है ये फिर रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीन्स के कुछ पार्ट्स हमने डाले, पूरा ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं डाला है। फिर हम ये एटेन्यूएटेड वैक्सीन होस्ट में डालेंगे, वहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनेंगी हम उन एंटीबॉडीज को यूज़ कर सकते हैं। मेन जो इस रिकमेंडेंट वैक्टर वैक्सीन का पर्पज़ है यहाँ पे, ये क्या करता है, इट विल नॉट अलाउ दिस एटेन्यूएटेड वैक्सीन टू रिवर्ट बैक टू द वायरुलेंट फॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रिकमेंडेंट वेक्टर वैक्सीन, दीज आर, ये एक नया कंसेप्ट है, ये एक एडवांस्ड कंसेप्ट है, अभी इस पर रिसर्च हो रहा है। इसके बाद और एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न कंसेप्ट है, दैट्स डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है बैक्टीरिया का, जो एनकोड करता है एंटीजेनिक प्रोटीन्स को, ठीक है, हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं मसल ऑफ रेसिपिएंट, जिसको हमें देना है ये वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, उसमें उसकी मसल से हमने उसको इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये होस्ट सेल होगी वो इस डीएनए को टेकअप करेगी। डीएनए जब टेकअप होगा,
ये डीएनए यहाँ पे इम्यूनोजेनिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर एमएससी मतलब यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, और जो MSC1 मॉलिक्यूल होगा वो इस को टेकअप करेगा, इस एंटीजन को वो टेकअप करेगा, एंड इट विल एक्टिवेट, दैट विल एक्टिवेट द CTL रिस्पॉन्स, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि इसने यहाँ पे एंटीजन किसने उठाया है, प्रेजेंट किया है MSC1 मॉलिक्यूल ने, तो प्रेजेंट किसको करेगा, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को यहाँ पे, और एक मॉलिक्यूल क्या होगा, CD8, टी लिम्फोस टी हेल्पर सेल्स में CD4 होता है, MSC2 होता है, ये याद रख लेना आप लोग। अब जो इसने ये टेकअप किया ये डीएनए, या तो ये क्रोमोसोमल डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा, या ये इपिजोमल फॉर्म में ही रहेगा, अलग फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ से एंटीबॉडीज बनेंगी, फॉर एग्जांपल जब हमने इंजेक्ट किया था इसको, डेंड्रिटिक सेल्स ने या मसल सेल्स ने इसको टेकअप किया था, इसको प्रेजेंट किया था MSC1 मॉलिक्यूल के थ्रू, CTL रेस्पॉन्सेज आए थे। अब ये बताया जाता है ये जो डीएनए वैक्सीन्स है ये प्रोटेक्टिव इम्यून रेस्पॉन्सेज दिलाते हैं, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, दे इंड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट नंबर ऑफ पैथोजेंस, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, यहाँ पे कोई डैमेज नहीं होता है, देर इज नो डैमेज, सिर्फ वैक्सीन्स बनते हैं। ये डेवलपिंग रिसर्च है, तो इसमें हम अभी तक जो ह्यूमन में ट्रायल्स दे रहे हैं, जैसे HIV का ट्रायल, HIV के खिलाफ ट्रायल्स दे रहे हैं डीएनए वैक्सीन का, या मलेरिया के खिलाफ दे रहे हैं, या इबोला के खिलाफ दे रहे हैं ह्यूमन ट्रायल्स, या हर्पिस वायरस जो है, हर्पिस के खिलाफ इसमें हम ट्रायल्स कर रहे हैं ह्यूमन में। सो एक्चुअली इन डीएनए वैक्सीन का अभी तक ट्रायल ही चल रहा है, या रिकम्बेंट वैक्सीन का। सो दिस इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी बाई विच वी कैन डेवलप दीज वैक्सीन। तो अगर ऐसा होता है, ये कॉमन यूज में आते हैं डीएनए वैक्सीन और रिकम्बेंट वैक्सीन, फिर इट विल बी इजी फॉर द रिसर्चर्स टू डेवलप वैक्सीन थ्रू दिस डीएनए एंड रिकम्बेंट टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही हमारा वैक्सीन का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम्पल्स याद रखनी है, कौन से वैक्सीन में क्या क्या आता है, कौन कौन सी डिजीज़ का वैक्सीन हम किसके अंडर करते हैं, तो जैसे टॉक्सॉइड के बारे में मैंने बताया, एटेनुएटेड और इनएक्टिवेटेड के डिफरेंसेस बताए मैंने, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है, ह्यूमोरल मिलता है, सेल मीडिएटेड मिलता है, या दोनों मिलते हैं, या डीएनए वैक्सीन क्या होते हैं, रिकम्बेंट वैक्सीन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ जो हमारा सिलेबस है वी हैव फिनिश इट, कोशिश की है हमने इसको फिनिश करने की, मगर जो कॉन्सेप्ट्स थे कॉन्सेप्ट्स में अच्छी तरह से समझा नहीं पाया आप लोगों को, और थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है इसको समझाने की, तो इंशाल्लाह अगर हम देखेंगे कुछ लेक्चर्स हम इसके भी पढ़ेंगे प्रैक्टिकल्स के, जो उसमें कुछ टेस्ट्स हैं हमारे, जैसे इलाइजा है, या इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, या ऑस्टोलॉनी डबल डिफ्यूजन है, ये तीन टेस्ट तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से भी थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्रैक्टिकल्स में भी हमें काम आएंगे। इसके भी दो तीन लेक्चर्स होंगे इसके साथ, सो वी वाइंड अप इम्यूनोलॉजी। अब ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छी तरह से इन वीडियोज़ को आप रिवाइज करना अच्छी तरह, जो भी क्वेश्चन आएंगे इन वीडियो से बाहर नहीं आएंगे, जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए कोई भी क्वेश्चन बाहर आया तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वट एवर विल बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, जो अगर एग्ज़ाम होता है आप लोगों का एंडिंग सितंबर में, तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं वीडियो से आएंगे, अगर कोई बाहर आता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से मेहनत करो, पढ़ो, MSc क्लोज आ रहा है आप लोगों का, उसके लिए ये एक यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा आराम से, अगर आप इस यूनिट में मेहनत करेंगे, इस पेपर में मेहनत करेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम।